सांसद सांता कुमार के 85वें जन्मदिवस पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री रविन्द्र रवि, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष इंदु गोस्वामी सहित अनेक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सांता कुमार को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। नए भारत का सपना पूरा करने के लिए इस बार के चुनाव में भारत की भाजपा की जीत 2014 से भी ज्यादा जरूरी है। सांसद सांता कुमार के जन्मदिवस पर सुबह से ही बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। 85वें वर्ष में प्रवेश कर रहे सांता कुमार पत्नी संतोष सैलजा के साथ हर किसी का स्वागत कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार, पूर्व मंत्री रविन्द्र रवि, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष इंदु गोस्वामी और जिला परिषद अध्यक्ष मधु गुप्ता सहित अनेक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सांता कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सांता कुमार ने अपने अब तक के सफर के लिए सबका आभार जताया। उन्होंने एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। सांसद सांता कुमार ने कहा कि नए भारत का सपना पूरा करने के लिए इस बार के चुनावों में भाजपा की जीत 2014 से भी ज्यादा जरूरी है। वह चाहते हैं कि इन चुनावों में कांगड़ा से कोई नया चेहरा सामने आए, लेकिन अंतिम फैसला हाईकमान का होगा और सबको मान्य होगा। सांता कुमार ने कहा कि वह पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जो निर्देश देगी उस पर अमल करेंगे। सांता कुमार ने कहा कि उन्होंने जब से होश संभाले हैं मैदान में हैं और मैदान में डटे रहेंगे। बहुत अच्छा रहा, 84 वर्ष पूरे करके आज मैं 50वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूं, समाज का, परिवार का, पार्टी का, सबका आभारी हूं। मुझे बहुत कुछ मिला, सब कुछ मिला और मेरी एक इच्छा है कि मैं इसी प्रकार देश की, प्रदेश की सेवा में लगा रहा हूं। वैसे मैं सोच रहा था कि 84 से 85 अब एक वर्ष बढ़ गया या एक वर्ष घट गया ये मुझे पता नहीं, लेकिन वर्ष बढ़ा या घटा इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं कैसे जिया इससे संबंध है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं जब 19 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में इस पार्टी में आया और जेल में गया, संघर्ष किया, तो उस समय के जेल के साथी कोई भी मेरे साथी आज इस दुनिया में नहीं। तिरंजा में, कश्मीर आंदोलन में 8 महीने हिसार जेल में मैं अकेला था। उस वक्त जो मेरे साथ 25-20 साल से कम उम्र के युवा थे, उनमें से आज इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। मैं सोचता हूं कि उस समय हम क्या सोचते थे जेल में रह करके। हम यही सोचते थे कि भगवान कभी हमारी सरकार आए और हम इस देश का नक्शा बदलें, इस देश में सही अर्थ में भारतवर्ष का जो असली चित्र है उसको चित्र करें। आज प्रदेश में भी सरकार हमारी है, देश में भी सरकार हमारी है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकारें समाज की सेवा में दिन रात लगी है। तो हमारी पार्टी की पहली पीढ़ी का, कम से कम हिमाचल प्रदेश में मैं अंतिम व्यक्ति हूं, अंतिम अवशेष हूं। ठाकर कुंजलाल जी मेरे अंतिम साथी थे, उनके जाने के बाद। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय की पीढ़ी के लोगों ने जो पार्टी के लिए, देश के लिए काम किया, वो सपना पूरा हुआ। अब मेरी एक ही तमन्ना है कि प्रदेश की और देश की सरकार इस देश की गरीबी को दूर करे, इस देश की बेरोजगारी को दूर करे, कोई गरीब ना हो, कोई दुखी ना हो। ये जो एक सपना हमारा है वो अभी तक पूरा नहीं है, इसको पूरा करने में हम लगे और भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, मेरी यही इच्छा। देश की सेवा की बात कही है और आपने ये भी कहा कि आगे भी आप इस तरह का सेवा करते रहेंगे, तो अभी आप वर्तमान में सांसद हैं, लोकसभा चुनाव होने को है, तो आप मैदान में उतरेंगे? मैंने जब से हो संभाली मैं मैदान में हूं।
कभी मैदान से हटा नहीं। 19 वर्ष की आयु में जेल गया और तब से लेकर आज तक मैदान में हूँ, डटा हूँ, हमेशा डटा रहूंगा। अब मैं सिपाही हूँ पार्टी का, पार्टी ने किस सिपाही को कौन से मोर्चे पर खड़ा करना है ये मेरा काम नहीं, पार्टी जो भी काम देगी, लेकिन मैं डटा हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक डटा रहूंगा। पार्टी कहेगी कि चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, मेरी इच्छा है कि इस बार कोई और नौजवान आगे आए और उसके अंदर जाए, लेकिन इसका अंतिम निर्णय पार्टी करेगी, अंतिम निर्णय पार्टी करेगी, क्योंकि हमें 19 में सरकार बनानी है। 14 के मुकाबले पर 19 में सरकार बनाना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 14 में तो हमने 10 साल की भ्रष्ट सरकार को हटाया और 14 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने नए भारत का सपना लिया है, एक प्रकार से बीज बोए हैं, अंकुरित हो रहे हैं, उनको सजाना है, सहेजना है, इसके लिए 19 पहले से भी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि 19 में हमारी सरकार बहुमत से बने, इस बात को सामने रख करके पार्टी सारे निर्णय करेगी।